खबर बहुत ही थाना अंतर्गत खोड़ चौकी की है, जहां पर गोरा टीला रोड का निर्माण कर रही डायमंड कंपनी के द्वारा सीसी के निर्माण के बाद साइड में मिट्टी भरने का कार्य किसानों के खेत की मिट्टी उठाकर किया जा रहा था। आपको बता दें कि इसके चलते गरीब किसानों को परेशानी हो रही थी। किसानों को कंपनी के द्वारा उत्पन्न हो रही समस्या को फास्ट समाचार ने प्रमुखता से दिखाया था, जिस पर खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक राजीव दुबे के द्वारा डायमंड कंपनी के कर्मचारियों को नियम अनुसार कार्य करने के लिए निर्देशित किया गया। इसके बाद अब कंपनी के द्वारा बोर एरिया से मिट्टी को उठाकर डंपरों के द्वारा साइटों को भरने का काम किया जा रहा है। इसके चलते किसान पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और रोड के किनारे गड्ढे ना होने से दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सकेगा। अभी ये कंपनी वाले पहले मिट्टी साइटों से खोद के डाल रहे थे, अभी ये मिट्टी खुद लेके आ रहे हैं, तो अब आपकी समस्या समाधान हो गया या नहीं? हो गया, साइड से माटी खुदे खुदे साइड बना रहा है, अब ले आ रहा है बाहर से मिट्टी डाल रहा है बना रहे हैं। तो हमने कहा इसमें क्या नियम है, नियमानुसार कार्रवाई करें, किसानों को परेशानी ना हो, इसको देख ले। किसानों का कहना ये था कि जो साइड से नाली खोद के मिट्टी जो साइड में भरी जा रही है, उससे ये मिट्टी बरसात में पूरी नीचे आ जाएगी और हमारे खेत का भी कटाव होगा उससे। तो इसके लिए हमने उनको बताया कि जो भी नियम है आपके जो भी प्राकलन में है वो अवगत कराएं, उसके बाद इसको कार्य करें। तो अभी उन्होंने उधर से कार्य छोड़ के दूसरी साइड से कार्य चालू कर दिया, जो भी कार्य होगा वो नियमानुसार कराया जाएगा।